हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। और आज का वीडियो ना ही कोई हेल्थ पे होने वाला है और ना ही कोई ब्यूटी टिप्स को लेकर मैं ना आई हूँ। बस जैसे मैं हूँ वैसे मैं आप लोगों के सामने आ गई, क्योंकि आज ना मुझे आपसे कुछ दिल की बातें करने का मन पड़ा है। दिल की बातें यानी यूट्यूब से को लेकर मेरा जो सफ़र था, एक्चुअली 5 मई को मेरा यूट्यूब के साथ जो 2 साल का सफ़र था, रिलेशन था, वो कंप्लीट हो गया है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। पर कभी कभी मन होता है ना कि यूट्यूब छोड़ दूँ, क्योंकि यार मेहनत तो लगती है, वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है और मेहनत के हिसाब से व्यूज़ मिलते हैं नहीं है। तो मन तो करता है, हर यूट्यूबर का एक यही उम्मीद होती है कि व्यूज़ अच्छे हैं वीडियो पर, और मेरे व्यूज़ दिन पे दिन डाउन होते चले जाते हैं। बट कोई नहीं, पर मैंने ऐसा कभी मन में आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ दूँ। तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, काम करती रहती हूँ। जब भी कोई नया यूट्यूबर मिलता है तो मुझसे वो एक ही सवाल करता है कि दी आपके तो इतने सारे व्यूज़ थे। मैं बच्चों के झूले पर हूँ, झूले में झूल नहीं रही हूँ बल्कि यहाँ पर मैं उसके सहारे खड़ी हूँ। तो मेरे इतने सारे व्यूज़ हैं आपके कुछ वीडियो में और कुछ वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा क्यों? एक्चुअली ऐसा ये होता है ना कि जो वीडियो दर्शक को पसंद आता है वो वीडियो वायरल हो जाता है, ठीक है? और नए व्यूज़ पर जब तक वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है, यानी उसका CTR जो होता है और ऑडियंस रिटेंशन जो कंप्लीट नहीं होता, तो वीडियो वायरल नहीं होती। तो 4-5 महीने बाद मेरी वीडियो वायरल हो जाती है, उससे पहले वायरल नहीं होती। और यूट्यूब क्या करता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम मत करो। मेरे नोटिफिकेशन मुझे ऐसा लगता है लोगों के पास नहीं पहुंचती और इम्प्रेशन भी उतना अच्छा नहीं देते आप यूट्यूब पर। बट कोई नहीं यार, इस सबके साथ होता है। आज नहीं तो कल मेहनत ज़्यादा लग रही है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप काम छोड़ दो। लोगों ने मुझे यही सलाह दी कि मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, पर मैं यूट्यूब नहीं छोड़ रही हूँ, ना कभी छोड़ने वाली हूँ। व्यूज़ कम आए या ज़्यादा आए मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस आपको बता दूँ, फ़र्क तब मुझे पड़ेगा जब मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूँगी। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया अगर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ ना। मैंने कल वीडियो नहीं बनाया तो ऐसा लगता है कि मैंने आज कुछ किया ही नहीं, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। यूट्यूब मेरी जॉब बन गई है, मैं यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताती हूँ और मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाकर, ना कि इसलिए कि मुझे पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, मुझे इस पास से फर्क नहीं पड़ता। और आपको बता दो, मुझे पैसे मिलते हैं लेकिन जो $100 भी होते हैं वो 2 या 3 महीने में कंप्लीट होते हैं जाकर। तो ये लगता है कि यार 2-3 महीने में आपको 7-8 हज़ार रुपये मिलना है, तो इससे अच्छा ये काम छोड़ दो, कुछ और काम कर लो। पर मेरा पैशन है वीडियो बनाना, जो मिलता है वो ठीक है, पर मुझे मेरा काम करना है। तो मैं अपना काम रेगुलरली करती आ रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और 2 साल में लगभग मैंने 370 वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, और आगे भी अपलोड करूँगी। और मैंने अभी अभी फिर से फेस पैक ही लगाया था, तो DIY उसका वीडियो आप लोग के साथ आने वाला है। और परसों तक आपको एक चैलेंज वीडियो भी मिलेगा, जो मेकअप का आपको देख सकते हो, मेरे आपको नीचे जो काला घेरा दिख रहा है ना, एक्चुअली मैंने आई मेकअप किया था, बिगनर आई मेकअप, तो उसका वीडियो भी आपको मिलेगा। तो बहुत सारे लोग, मैं क्या बताने लगी बीच में, मैं क्या बता रही थी, तो ये चीज़ मेरे साथ रही। लोगों के सवाल हमेशा उठते हैं कि यार तेरे इतने व्यूज़ आते हैं और कुछ में आपके इतने कम व्यूज़ क्यों आते हैं। तो कम या ज़्यादा व्यूज़ से मुझे कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं कभी। हाँ, व्यूज़ अच्छे आते हैं तो खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है, और कम आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुखी हो जाती हूँ और अपने वीडियोज़ बनाना बंद कर देती हूँ। हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ कि मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए, क्योंकि कुछ वैसे वीडियोज़ के व्यूज़ ही नहीं और भी बहुत सारी टेंशन होती है उसकी वजह से, लेकिन फिर मैं अपने काम पर लौट आती हूँ और एक दिन का गैप लिया, फिर मैं लौट आऊँगी अपने काम पर। बस यही चलता रहता है। और मैं क्या शेयर करूँ, YouTube पे मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं मिली, बहुत सारी नफरत भी झेलनी पड़ी। बहुत सारे लोगों को मेरी आवाज़ नहीं पसंद आई है। लोग मेरी आवाज़ पे कहते हैं, यार श्रुति तुम्हारी आवाज़ ना बहुत डराने वाली है, श्रुति तुम्हारी आवाज़ ना फटे पीपे जैसी है, श्रुति तुम वीडियो क्यों बनाती हो, श्रुति प्लीज़ ये थोड़ा इस तरह बोलना बंद कर दो, अपनी आवाज़ चेंज कर दो या वीडियो बनाना बंद कर दो। यार मैं अपनी आवाज़ का क्या कर सकती हूँ, यार मेरी आवाज़ अच्छी है बुरी है आई डोंट नो। कि मेरी फैमिली मेम्बर को तो नहीं लगता कि मेरी आवाज़ ख़राब है, और लगता भी होगा तो वो कहते नहीं, वो अपने हैं, और भी दोस्तों को ऐसा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों को लगता है और वो आके मेरे वीडियो पे कमेंट भी करते हैं। जब शुरू में ऐसे कमेंट आने शुरू हुए, इस तरह के निगेटिव कमेंट, तो मेरा भी दिल दुखी हुआ। मैंने कहा यार इतनी मेहनत से बना रही हूँ और लोगों को मेरी आवाज़ इतनी ख़राब लगती है। फिर मैंने है
माइक भी खरीदा, और एक्चुअली मैं तो अब माइक यूज भी नहीं करती हूँ, विदाउट माइक ही बनाती हूँ। मेरी आवाज़ ऐसी इतनी बुलंद है, माइक लगाने की क्या जरूरत है, जरूरत पड़ती है तो मैं माइक लगा भी लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं माइक नहीं लगाती, पर बहुत कम ही लगाती हूँ। तो फिर लोगों ने ऐसे कमेंट किया, तो फिर मैंने कोशिश की अपनी आवाज़ में चेंज लाने की, पर मैं कोशिश में नाकाम रही, मैं अपनी आवाज़ पे कोई भी चेंजेस नहीं ला पाई। पर जितनी आवाज़ पे नफरत देने वाले थे लोगों ने, मेरी आवाज़ को लेकर जितना मुझे टारगेट किया है, उतना ही मेरी आवाज़ को लेकर मुझे प्यार भी मिला। लोगों ने बोला कि मेरी आवाज़ क्यूट है, अच्छी है, मुझे बनाना चाहिए, तो मैं बना रही हूँ। और बस इस तरह का सफ़र चल रहा है। और आज ही मेरा मन हुआ कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं, क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन भी चल रही थी और व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ। आपको बता दूं, मैं पूरी रात वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि दिन में ना घर पे लॉकडाउन चल रहा है, घर में सभी लोग रहते हैं तो बहुत शोर आता है, बच्चे भी घर में है, तो मैं दिन में बनाती हूँ। और अभी मैं 2 दिन पहले तो सुबह 7 बजे सोई हूँ, 7 बजे मेरा वीडियो आ जाता है, 7 बजे में 5 मिनट बाकी रहते हैं ना, तब जाके मैं सोई हूँ। और कल भी मेरा सुबह के इसी तरह 4 या 5 बज जाते हैं, तो मुझे नींद आती है, और दिन में सोती हूँ तो डांट भी पड़ती है। अब तो घर वाले कहते हैं ठीक है रात में कर रही हो, कोई नहीं, चलो सो जाओ थोड़ी देर, लेकिन डांट तो पड़ती ही है। अगर दिन में सो जाओ, रात भर जागो, तो डांट तो पड़ती है। तो हेल्थ पर भी आपके इशू पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। बट काम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं काम कर रही हूँ। अब इम्पोर्टेंट की बात कहूँ तो लोग यही बोलेंगे, यार व्यूज़ कम आते तो क्यों इम्पोर्टेंट बना रखा है, यार व्यूज़ से क्या मतलब, मुझे क्या मतलब, मेरी आवाज़ लोगों को ख़राब लगती है, क्या मतलब लोगों को लगता है कि मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं इसलिए मुझे काम छोड़ देना चाहिए। मैं काम करूँगी और करती रहूँगी, व्यूज़ का क्या है, व्यूज़ तो कल को आएंगे ही आएंगे। अगर वीडियो कल को वायरल हुई, उसका ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा गया, तो वो वीडियो वायरल होने वाली है, तो मुझे व्यूज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मैं व्यूज़ तो लाऊंगी और आते ही रहेंगे। एंड जो हेट कमेंट करते हैं मेरी आवाज़ को लेकर, जिन्हें मेरी आवाज़ ख़राब लगती है, तो मैं उनसे बोलूँगी आवाज़ है यार, जैसे भी है, भगवान ने बनाई है, आपको मेरी आवाज़ नहीं अच्छी लगती तो ठीक है, विदाउट हेडफोन सुन लो, विदाउट एयरफोन ही सुन लो, जैसा भी है सुन लो यार मेरे वीडियो। देखो मैं ये नहीं कहूँगी मेरे वीडियो ना देखो, मेरे वीडियो देखो आप लोग, हाँ कुछ भी है बनाती हूँ मैं, मेहनत करती हूँ, तो वीडियो देखने चाहिए आपको, तो मैं सभी से बोलूँगी वीडियो देखो। एंड तो मैं यही बता रही हूँ, 5 मई से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ और 2 साल आज कंप्लीट हो गया है, और आगे भी ये सफ़र चलने वाला है। और आगे भी सोचा है कि एक नेक्स्ट ब्लॉग चैनल भी खोलूँगी, या चैलेंजिंग चैनल, अभी कुछ पता नहीं है, खोलूँगी तब आप लोग को बता दूँगी, और बेटर है आपके साथ वो हो सकता है चैनल, तो जब वो मेरी लाइफ में होगा तो उसको फिर उसके साथ। ये भाई साहब तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार, भाई साहब बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं तब से मुझे, तो उनके साथ वीडियो बनाऊंगी। और आप देख सकते हो कूलर ऑफ है, फैन ऑफ है, फिर मैं ही वीडियो बना रही हूँ। ऐसे मैं डेली डेली रात में, मेरा कूलर नहीं चलता, फैन नहीं चलता, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ आप लोग के लिए। तो मेरे वीडियोस को प्यार दिया करो, आप लोग वैसे प्यार बहुत देते हो, ऐसा नहीं कि प्यार में कोई कमी है आपके, प्यार तो आप खुल के देते हो और अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। और ये 2 साल का सफर केवल मेरा अकेले का नहीं था, 2 साल का सफर जो था मेरे व्यूवर्स का था, कुछ व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जो शुरू से मेरे साथ थे और आगे भी मेरे साथ हैं, और यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया। एक तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मुझे दिए, और कुछ रिलेशंस भी बने, और बहुत कुछ अच्छा रहा, कुछ खट्टे भी पल थे, कुछ कुछ पलों ने दिल भी दुखाए। बट आप कहीं काम करते हो, आप ऑफिस में भी काम करते हो, आप शॉप भी करते हो, आप किचन में भी काम करते हो, अपनी रसोई में आप हाउस वाइफ हैं, आप वहाँ पे भी काम करते हो, तो खट्टे मीठे पल हर जगह होते हैं, हर जगह आपको तारीफ मिलेगी। ऐसा नहीं आप रोज़ खाना बनाओगे तो हर रोज़ आपको तारीफ मिलेगी, आपको बुराइयाँ भी मिलेगी, तो ऐसा अच्छा ही अच्छा हो बुरा तो चलता ही रहता है। लोग मुझसे जो राय देते हैं कि यार तुम्हें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, तो मैं कहूँगी यार काम है, बिजनेस में किसी दिन फ़ायदा होता है, किसी दिन घाटा होता है, किचन में किसी दिन अच्छी डिश बनती है, किसी दिन नमक कम हो जाता है, नमक ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए हमें गालियाँ भी पड़ती है। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आप यूट्यूब छोड़ दो या फिर अपने काम को छोड़ दो, तो मैं तो यूट्यूब नहीं छोड़ने वाली, मैं अपना काम करते रहने वाली हूँ और आगे भी करूँगी। बस यही कहने वाली थी। मैं क्या क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कुछ भी नहीं पता। और आप देख सकते हो काम करने के बाद भी अभी कितने बज रहे हैं रात के, सब लोग सो गए हैं और मैं बड़बड़ा रही हूँ कैमरे के सामने, ये देख लो 12:30 बज गए हैं। और आप देख सकते हो मुझे, मैंने अभी ब्यूटी बनाया था एक मेकअप चैलेंज का वीडियो, आप देख सकते हो यार पिंपल आ गया है, ठीक कर लूँगी, आपको बताऊँगी कैसा ठीक किया मैंने। तो वो मेकअप वगैरह फैला हुआ है, और आप ये देख सकते हो मेज़,
तो अभी मैं इसको समेट कर ही सोऊंगी, पूरा कमरा बिखरा हुआ है, वरना सुबह डांट पड़ती है दीदी, कहती है यार क्या ख्याल बना रखी है तुमने कमरे की, बट कभी कभी हो जाता है कि देर हो जाती है। अब ये वीडियो है, मैं सोचूंगी कल आप लोग के साथ शेयर कर लूँ, तो उसको भी थोड़ा बहुत एडिट तो वैसे करूँगी नहीं, कुछ ऐसा एडिट करना नहीं है इसमें, फिर भी थोड़ा बहुत तो ऐड करूँगी, सब्सक्राइब लाइक शेयर जो कहती रहती हूँ आप लोग के साथ। प्लीज़ फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है और का बटन उसे भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों प्लीज़ मुझे बताना कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं और वीडियोज़ में क्या कमी है, ज़रूर शेयर करना। ये मत सोचना कि दी ऐसा बोल रही है आवाज़ को, हमें आवाज़ कम कमी लगी तो हम दीदी की बुराई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जो मन में आया बता सकते हो, और अनलाइक का बटन भी आप लोग के लिए है तो अनलाइक का बटन भी दबा सकते हो। तो बस ऐसे ही दिल की बात करनी थी, और ऐसे ही दिल की बात मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। आई होप मेरी ये बातें आपको अच्छी लगे, और मैंने बताया कि मेरी जो इनकम है यूट्यूब से 2-3 महीने में एक बार आती है, और ये 1.5 साल से स्टार्ट हुआ है, मुझे डेट याद नहीं है, कई बार आ चुकी है। तो इस तरह इनकम आती है तो भी अच्छा लगता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं आती है। अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हो तो ये सोच रहे हो कि यूट्यूब पर आते ही आपके ऊपर पैसों की बारिश होने लगेगी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। पैसों की बारिश होती होगी कुछ किस्मतदार लोगों के किस्मत में होती होगी, कुछ किस्मतदार लोगों के वीडियो पे व्यूज की बारिश भी होती होगी, सब्सक्राइब की बारिश भी होती होगी, लेकिन हम जैसे लोग भी हैं जो जिनको हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है, वो व्यूज कम आते हैं, लेकिन फिर भी वो छोड़ने को नहीं तैयार होते हैं। लोग गालियां भी कहते हैं यार कि यार श्रुति वीडियो बनाना छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगी यार, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तो बनाती ही रहूंगी। तो यही सब था जो शेयर किया। आई होप कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना, एंड पूछ लेना। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। तो इसी तरह का प्यार बनाते रहिए, बनाए रखिए, और तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एंड बस यही दिल की बातें करनी है। और बहुत इस गर्मी लग रही है यार, भयंकर गर्मी लग रही है, कूलर ऑन कर लेती हूँ, सुकून मिल जाए। मजा आ रहा है यार कूलर ऑन करके, वैसे भी इधर आओ, बड़ा भयंकर है। अब थोड़ी देर ठंडी हवा लूंगी, बस लव यू, टेक केयर।